मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में राशि डाली गई, जिसका जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 17 लाख किसानों के खाते में 340 करोड़ रुपए की राशि एक क्लिक पर अंतरित की गई। साथ ही लगभग 30 लाख किसानों को 1530 करोड़ रुपए की राहत राशि की द्वितीय किश्त का वितरण भी सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। नीमच के टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत प्रधान श्रीमती अवंतिका जाट, पवन पाटीदार, कलेक्टर मयंक अग्रवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से खेती लाभ का धंधा बन रही है। किसानों ने गेहूं उत्पाद में रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर भोपाल के मिंटो हॉल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित जनों ने देखा व सुना। अतिथियों के प्रतीक स्वरूप किसानों को लाभ पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर पवन पाटीदार, हेमलता धाकड़ सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, जिला पंचायत सीओ आशीष सागवान, अन्य अधिकारी कर्मचारी, पत्रकारगण व किसान भाई उपस्थित थे। किसान कल्याण एवं राहत राशि के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पैसा डालने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं किसानों के सम्मान के लिए 6000 रुपये देश के प्रधानमंत्री जी ने निधि देने का संकल्प लिया, उसी को आगे बढ़ाकर किसान हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4000 और मिलाकर 10000 देने का काम किया। आज नीमच जिले के 16 लाख रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं। वो लगभग 8124 किसान उस निधि का लाभ लेंगे और ये एक बहुत ही अनुकरणीय काम है कि किसान का बेटा जो मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बना है शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार किसानों के लिए जब से बने हैं कुछ न कुछ देने का काम कर रहे हैं। हमको मालूम है बीमा राशि का पैसा जो कमलनाथ जी ने अन्य मद में खर्च कर दिया था, जमा कराया नहीं था, वो जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आए और उन्होंने किसानों की बीमे की राशि का पैसा जमा कराया और किसानों को बीमा की राशि भी दिलाने का काम किया, किसान को राहत राशि के रूप में भी उन्हें देने का काम किया है। जब भी जैसा भी उनको मौका मिलता है वो किसान को कुछ न कुछ देने का काम करते हैं। और आज हम जानते हैं कि कमलनाथ जी ने किसानों से 2 लाख रुपये तक के कर्जे माफ़ करने का वादा किया था, वो वादा उनने पूरा नहीं किया, उसकी वजह से आज सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए और आज भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनी है। आज जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी वो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने वापस चलाई है। हम जानते हैं रेहड़ी रेवड़ी ठेला वाले जो लोग थे वो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे, उन भाइयों को भी 10-10 हज़ार रुपये बिना ब्याज के देने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यदि वो 10 हज़ार जमा करा देंगे तो उनको 20 हज़ार और यदि 20 जमा करा देंगे तो उनको 50 हज़ार रुपये देने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।